हेलो दोस्तों, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर एंड स्टीम सिस्टम इन बॉयलर। मतलब बॉयलर में वाटर और स्टीम का जो साइकिल होता है, जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, वाटर और स्टीम जो है वो बॉयलर में किस किस जोन से होकर गुजरता है और कहाँ पर क्या टेम्परेचर प्रोफाइल होता है। मतलब किस जोन में वाटर और स्टीम का क्या टेम्परेचर होता है और वाटर जो है वो स्टीम में कब और कहाँ पर कैसे कन्वर्ट होता है, इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। और इससे पहले जो सीएबीसी बॉयलर के बारे में जो वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है वो, और जो एयर एंड फ्लू गैस पाथ है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो अभी तक वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आगे का जो भी टॉपिक है वो आपका अच्छे से क्लियर हो सके। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वाटर एंड स्टीम सिस्टम इन बॉयलर, तो बॉयलर में जो भी वाटर एंड स्टीम सिस्टम है अभी उसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये देखिए कि जो भी हम लोग यहाँ पर पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मतलब लगभग आसपास की वैल्यू है। ये डिपेंड करेगा कि आपका बॉयलर का जो डिजाइन है, जो कैपेसिटी है वो कितना है, तो ये पैरामीटर थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक अप्रोक्स वैल्यू लिया गया है ताकि ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो सके। तो देखिए, यहाँ पे जो हम लोग जो बॉयलर का वर्किंग प्रेशर जो एज्यूम करेंगे, तो मान लीजिए 90 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे जो वर्किंग जो टेम्परेचर है मेन स्टीम का वो है 530 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, ये जो हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे तो ये सीएफबीसी बॉयलर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा और एएफबीसी बॉयलर के लिए भी अप्लाई होगा। तो इसमें अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम लोग सीएफबीसी और एएफबीसी बॉयलर को कवर कर लेंगे, क्योंकि लगभग जो टेम्परेचर प्रोफाइल होता है वो सेम ही होता है। थोड़ी बहुत इधर हो सकती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि बॉयलर का डिजाइन और कैपेसिटी कितना है। तो चलिए अभी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग को बॉयलर में क्या होता है कि वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वाटर को हम लोग कहीं ना कहीं से तो लेंगे, तो अब वो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास एक बीएफपी लगा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि बॉयलर का कैपेसिटी क्या है, तो बीएफपी दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे टॉपिक को समझाने के लिए एक एक इक्विपमेंट को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक बीएफपी है, इससे जो है वाटर सक्शन किया कहाँ से, डिएरेटर से, जहाँ पे वाटर का जो टेम्परेचर है 130 डिग्री से 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बीएफपी जो है वो वाटर को डिएरेटर से शक करने के बाद वो हाई प्रेशर में बॉयलर को प्रोवाइड करती है। तो बीएफपी ने शक किया, अब उसके बाद जो बीएफपी का जो डिस्चार्ज वाटर होता है वो चला जाता है एचपी हीटर में, जहाँ पर वो थोड़ी बहुत हीटअप होता है, मतलब वो हीट को गेन करता है, जिससे उसका जो टेम्परेचर है वो 190 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। फिर वो उसके बाद आता है बॉयलर का फीड स्टेशन में। तो यहाँ पे इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बॉयलर फीड स्टेशन। तो फीड स्टेशन से पहले एक वाल्व लगा होता है जिसको हम लोग फीड स्टेशन इनलेट वाल्व बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखे होंगे कि कई सारा यहाँ पे लाइन है। तो देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग पहले वाले को बोलते हैं 30% लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं 100% ए लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं 100% बी लाइन। ये 30% लाइन में जो वाटर का फ्लो होगा वो कम होता है, वो लगभग 30% के आसपास होता है। जब हमारे बॉयलर का लाइट अप होता है या जब बॉयलर का हमारा लोड 30% के आसपास होता है या उससे नीचे होता है, तो उस समय हम लोग इस लाइन का यूज करते हैं। जो भी हम लोग ड्रम में वाटर लेते हैं वो इस लाइन के जरिए लेते हैं। लेकिन जब हमारा जो बॉयलर है वो मैक्सिमम जो रेटेड कैपेसिटी होता है एमसीआर का, उसका अगर 30% से ऊपर है, तो उस समय क्या करेंगे हम लोग, ये 100% ए या 100% बी का लाइन का यूज करेंगे। हम लोग वाटर या तो इससे ले सकते हैं या तो इससे ले सकते हैं। तो ये हो गया अलग अलग लाइन का यूज। तो अब उसके बाद क्या है कि ये वाटर जो है वो इकोनोमाइजर में जाता है। तो इकोनोमाइजर में जाने से पहले यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसको हम लोग इको इनलेट वाल्व कहते हैं, और यहाँ पर एक एनआरवी लगा होता है जिसको हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व कहते हैं।
इसका काम होता है कि वाटर को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। ये जो भी वाटर एक बार चले जाएंगे तो ये वापस जो है वो रिटर्न नहीं होंगे, इसलिए इसको नॉन रिटर्न वाल्व कहा जाता है, NRV। अब जो वाटर जो है जो इस टेम्परेचर पे था वो क्या हुआ कि इकोनोमाइजर में आया। इकोनोमाइजर क्या होता है तो इसके बारे में अलग से डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे अलग से, अगर आप कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करेंगे तो। लेकिन यहाँ पर बस ये समझिए कि इकोनोमाइजर जो होता है वो बॉयलर में वाटर भेजने से पहले उसको हम लोग थोड़ा हीटअप करते हैं, उसको पहले ही गर्म कर देते हैं सेचुरेशन पॉइंट तक, ताकि जब वो बॉयलर के फर्नेस में जाए तो वो तुरंत स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो भी हीट ऐड होता है वो होता है सेंसिबल हीट, जिसके कारण से ये इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे ये लिक्विड फेज में ही रहता है। अब जो ये वाटर है वो ड्रम में जाता है, जहाँ पे जो ड्रम लेवल होता है वो 50% होता है और 50% स्टीम होता है। तो ये वाटर गया यहाँ पे ड्रम में। अब ड्रम के साइड में जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं डाउन कमर। डाउन कमर के थ्रू क्या होता है, वाटर जो है वो बॉयलर का जो बॉटम रिंग हेडर होता है वो वहाँ पे जाता है। अब जो ये वाटर है वो डाउन कमर और जो बॉटम रिंग हेडर है वो उसके थ्रू फर्नेस का जो वाटर वाल होता है, जो जहाँ पर बहुत सारे ट्यूब लगे होते हैं उसमें जाता है, और चूंकि फर्नेस में कम्बशन होता है तो वहाँ पर वो हीट को गेन करता है और स्टीम में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे जो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है वो लेटेंट हीट के द्वारा होता है, लेटेंट हीट के कारण ही वो स्टीम में कन्वर्ट हो पाता है। लेटेंट हीट और जो सेंसिबल हीट है इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका है, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उस टॉपिक को भी समझ सकते हैं कि जो सेंसिबल हीट है और लेटेंट हीट में क्या अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही स्टीम में कन्वर्ट हुआ, तो स्टीम जैसे ही बना तो वहाँ पर क्या होगा कि स्टीम जो है वो हल्का होता है वाटर से, तो वो हल्का होने की वजह से क्या होगा कि ये अब जो टॉप जो रिंग हेडर होता है वो वहां पे जाता है, और वो हेडर के साथ बहुत सारे जो लाइन होते हैं जिसको हम लोग राइजर कहते हैं, उस राइजर के थ्रू वो फिर ड्रम में जाता है। अब ड्रम में बहुत सारे स्टीम सेपरेटर लगे होते हैं, तो वहां पर स्टीम सेपरेट होता है और उसके बाद वो आउटलेट होता है और फिर प्राइमरी सुपर हीटर में जाता है। सुपर हीटर क्या होता है, तो सुपर हीटर एक तरह का हमारा हीट एक्सचेंजर होता है जो कि फ्लू गैस पाथ में लगा होता है, जो भी रेडिएशन जोन होता है वहाँ पे क्या करता है कि जो भी ड्रम से आउटलेट हमारा जो स्टीम आया, जो ड्राई सेचुरेटेड स्टीम आया, उसको और भी उसको ड्राई करता है, उसमें जो भी मॉइस्चर और भी बच गए हों तो उसको वो एकदम पूरी तरह से ड्राई करता है और उसको सुपर हीटेड करता है। क्योंकि हमारा जो डिजाइन है जो हमको टर्बाइन के अनुसार हमें चाहिए वो 530 डिग्री चाहिए, तो 530 डिग्री पाने के लिए ही ये सुपर हीटर का यूज किया जाता है, जहां पे स्टीम जो है वो पूरी तरह से हीटअप होता है, हीट को गेन करके वो सुपर हीटेड बन जाता है। तो यहां पे देखिए कई सारे जो सुपर हीटर लगे होते हैं, जैसे पहला जो है प्राइमरी सुपर हीटर, दूसरा जो है उसको हम लोग सेकेंडरी सुपर हीटर या CFBC बॉयलर में इसे विंग वाल सुपर हीटर भी कहा जाता है, और जो तीसरा होता है उसे हम लोग फाइनल सुपर हीटर कहते हैं। अब ड्रम से निकलने के बाद जिसका जो टेम्परेचर है 300 से 320 के आसपास रहता है वो प्राइमरी सुपर हीटर में गया, वहाँ पे वो फिर हीट को गेन किया और उसका जो टेम्परेचर हुआ फिर 420-30 के आसपास रहता है, फिर ये सेकेंडरी सुपर हीटर या विंग वाल सुपर हीटर में जाता है और यहाँ पर भी हीट को गेन करता है, जिससे यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो 470 से 480 तक आ जाता है, और फिर उसके बाद वो फाइनल सुपर हीटर में जाता है, जहाँ पर वो हीट को गेन करने के बाद जो हमारा बॉयलर का वर्किंग मेन स्टीम टेम्परेचर था 530 डिग्री वो मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर चाहिए था 530 डिग्री वो मिल जाता है, और जो प्रेशर है वो 90 kg वो मिल जाता है। लेकिन देखिए अगर ये किसी भी कारणवश से अगर ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि एक सिस्टम लगा होता है जिसके द्वारा हम लोग वाटर को स्प्रे करते हैं। ये जो स्प्रे सिस्टम लगा होता है ये सेकेंडरी सुपर हीटर या विंग वाल सुपर हीटर के इनलेट और आउटलेट में लगा होता है, जहां पर BFP डिस्चार्ज से हम लोग एक टैपिंग लेते हैं और वह उसी का वाटर जो है इस लाइन में हम लोग स्प्रे करते हैं। अगर किसी कारण सेकेंडरी सुपर हीटर का अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसके इनलेट में हम लोग वाटर को स्प्रे करते हैं, जिससे जो स्टीम का टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है, और अगर फाइनल सुपर हीटर के आउटलेट में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसके पहले हम लोग जो आपका विंग वाल सुपर हीटर के बाद में वाटर स्प्रे लगा होता है उससे हम लोग वाटर को स्प्रे करके इस मेन स्टीम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग मेन स्टीम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, उसे कम करते हैं। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एयर टेम्परेचर। तो एयर टेम्परेचर के मदद से ही हम लोग मेन स्टीम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, उसे कम करते हैं, जो हमको डिजायर्ड टेम्परेचर है वो पा पाते हैं। तो यही इस एयर टेम्परेचर का काम होता है।
अब फाइनल सुपर हीटर के बाद जब हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर डिजायर्ड आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग इसको MSSB से गुजारते हैं ताकि ये जो है टरबाइन में यूज हो सके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो बाईपास लाइन होता है उसको हम लोग खोलते हैं और धीरे धीरे इस लाइन को चार्ज करते हैं, क्योंकि लाइटअप के दौरान इधर का जो लाइन है वो ठंडा होता है। तो इसको हम लोग पहले धीरे धीरे चार्ज करते हैं, मतलब कि उसको हीटअप करते हैं और फिर MSSB को खोलते हैं। MSSB को खोलने के बाद जो ये हमारा मेन स्टीम है वो आगे की ओर जाता है एक हैडर में, जहाँ पर जो स्टीम है वो कलेक्ट होता है और वहीं से मेन स्टीम को टरबाइन में भेजा जाता है। तो यही होता है हमारे बॉयलर में वाटर एंड स्टीम सिस्टम। तो आई होप कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो पावर प्लांट से जुड़े हुए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।